sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Assalamu alaikum guys, so welcome back to Escape with Ali. तो आज हम कर रहे हैं प्लांटेशन, मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं राहिल, और ये हमने कुछ पौधे लिए हैं। अभी हम I8 में मौजूद हैं, ये नया पार्क बना है बिल्कुल, तो इधर हम थोड़ी प्लांटेशन करेंगे और अभी आपको फर्दर दिखाते हैं। जी बिल्कुल, उसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट भी है, तो हम उसमें नमल यूनिवर्सिटी नमल से जी। अरे यार, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर लिया, अपना भाई मिल गया यार हमें। हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल। व्लॉग इज गोइंग टू बी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, स्टे ट्यून्ड। Sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Hop up up in the window, smaller and smaller you fade out. वेलकम बैक। तो आज हम आए हुए हैं F10, मेरे साथ हैं बासित भाई। बासित, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। इतना शर्मा क्यों रहे हैं यार? शर्मा नहीं रहे सर, आज हम यहाँ आए हुए हैं। हाँ बताएं, क्या लियाकत के ढाबे पे है हमारा छोटा सा ढाबा जो एक फीमेल चला रही है, इसका नेम है द मीटिंग पॉइंट और बाय आमिरा लियाकत। और यहाँ पे हमारे मुल्क में जो फीमेल्स हैं वो इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो बहुत कम लेती हैं। हाँ, तो ये बड़ी बहादुरी का काम है कि इस तरह का स्टेप लेना पब्लिक पॉइंट पे, जो है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट, मतलब ये शो करते हैं कि सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ, सोसाइटी में बिल्कुल फीमेल्स जो है अब वर्किंग में आ रही हैं, रेस्टोरेंट चला रही हैं, वो काम कर रही हैं जो स्पेशली नीचे जो साउथ पंजाब है, जैसे हमारा पंजाब है, उसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा समझा जाता था या अजीब समझा जाता था कि मतलब फीमेल्स जो हैं वो ढाबा चलाएं या रेस्टोरेंट करें, कोई भी काम करें। लेकिन मैंने हुंजा विज़िट किया था, वहाँ पे मतलब ऑलरेडी कर रही हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी जो फीमेल्स हैं उनको बहुत एम्पावर किया हुआ है। हाँ, वहाँ पे इवन ढाबा चलाती हैं जो फीमेल्स हैं, और हुंजा सिटी में बहुत ज़्यादा वर्किंग है फीमेल, वहाँ बहुत ज़्यादा रोल है, यहाँ पे बहुत कम है, और यहाँ पे अब थोड़ी चेंज आ रही है इस चीज़ को लेकर। तो अभी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि कैसे उन्होंने वर्किंग स्टार्ट की, और मेरे साथ बातचीत है हम दोनों मिलके। अब ये है जी ढाबा, और ये है आमिरा लियाकत खुद जो ढाबा चला रही हैं, और F10 मरकज़ में मौजूद है ये ढाबा डी वॉटसन के बिल्कुल बैक पे। तो अगर आप लोग विज़िट करना चाहें, और मैं आप लोगों को इनक्रेज करूँगा कि आप लोग विज़िट करें और यहाँ पर आके शो सम सपोर्ट, और एज अ सोसाइटी हमें करना चाहिए, इन्हीं चीज़ों से सोसाइटी बेहतर होती है। अच्छा, तो हमारे साथ हीरा भी मौजूद है, फ्यूचर आर्मी साइकोलॉजिस्ट, और चल चल चलो हम चाय पी रहे हैं। आपको ये कहाँ से मोटिवेशन मिली कि आप पब्लिक प्लेस की ये F10 इस्लामाबाद में ये काम स्टार्ट करें? मुझे मोटिवेशन मुख्तलिफ जगहों पे मैंने काम किया, बहुत सारी मैंने औरतों को देखा। मोटिवेशन तो काम करते करते बस एक दिमाग में एक आइडिया था कि इसको मैं करूँगी, लेकिन मुश्किल था मेरे लिए भी, एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था। और थॉट्स थी कि मैं काम कैसे स्टार्ट करूँगी, माशरा कैसे ट्रीट करेगा, इस तरह के कुछ थॉट्स वगैरह थी? बिल्कुल थी, मैं हर चीज़ को मतलब प्री प्लान करके मैं जब बाहर निकली। डेफिनेटली पाकिस्तान है, इस्लामी माशरा है, औरतों के लिए आसानियाँ भी हैं, लेकिन एक मार्केट में खड़े होकर काम करना इतना ईजी नहीं है। अच्छा, आपका ये कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 8 मंथ हो गए। अच्छा, 8 मंथ हो गए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे लोगों के साथ?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। इस्लामाबाद है, यहाँ पे मोस्टली एजुकेटेड लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कोई इक्का दुक्का कस्टमर ऐसा भी आ जाता जिसको थोड़ा आप इरीटेट हो रहे होते हैं, लेकिन मैंने पहले भी अपने बाकी इंटरव्यू में बताया कि मैं मुख्तलिफ अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में जॉब करती रही हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस था, पब्लिक डीलिंग थी के लोगों को कैसे डील करते हैं। जैसा भी कस्टमर आना है मैंने उसे अपनी चाय भी बेचनी, अपनी चीज़ें भी बेचनी और मैंने ख़ुद को सेफ भी करना है। तो वो पूरा कुछ हमारी ख़वातीन हैं जिनके आज कल बेरोज़गारी बहुत है, तो इस तरह के काम करना चाहती हैं लेकिन वो माशरे की वजह से कि माशरा में किस तरह से ट्रीट करेगा वो डरती हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो आप बाहर आएँ, इस तरह की कोई काम करना चाहती हैं, स्टार्ट करना चाहती हैं बिज़नेस, तो क्या करें वो? मेरा उन ख़वातीन से यही है कि देखें, आप जब तक खुद हिम्मत नहीं करेंगी, स्ट्रगल आगे नहीं बढ़ेंगी, तो माशरा भी बातें करेगा, लोग भी आपको टॉन्ट करेंगे, आपके अपने भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक लेवल आएगा जब आप अपने टांगों पे खड़ी हो जाएंगी, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, तो सब आपके साथ होंगे। हाँ जी, जब कितनी देर होगी तुम इधर काम करो? यहाँ पे होगी मुझे 3-4-5 महीने। अच्छा, तो कितना काम चल रहे हैं? काम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है यहाँ। अच्छा, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं कश्मीर चाय पीने के लिए, कुछ गप्पे खाने के लिए। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ जो आप मतलब यहाँ पे दे रहे हैं लोगों? हमारे पास जो है अभी कश्मीरी चाय से ज़्यादा डिमांड है और कुछ गप्पों की। अच्छा, ये हमारे शेफ साहब हैं जो चाय बना रहे थे पहले। नहीं, मैं ड्राइविंग भी कर रहा था, लेकिन चाय हमारी बहुत पसंद है, उन्होंने मुझे इधर बुलाया। हाँ, मुझे खुद हमने चाय पी है, बहुत मज़े की चाय है। अच्छा, आप लोग का ताल्लुक कहाँ से है जी? जी, मैं मुजफ्फराबाद। अच्छा, ये मुजफ्फराबाद से आप? मैं बहुत नचिया गली का हूँ। नचिया गली से हैं? जी, नचिया गली में बड़ा आजकल बर्फ। चले, बहुत शुक्रिया आपका। अभी कुछ बैंड्स आ रहे हैं और तो ये इस्लामाबाद में ओपन एयर थिएटर हो रहा है। ये हो रहा है जी शकरपुनिया के पास, बिल्कुल है एक थिएटर बना हुआ है। सीडीए के ताबून से रोमांटिक्स कर रहे हैं, तो अभी तक तो इंजॉय हो रहा है, बाकी आपको फर्दर दिखाते हैं। हाँ, तो कहा है सब तक इंजॉय हो रहा है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि हलीम राशिद आ रही है, सिंगर आजकल की। और अभी नजम भाई ने भी अच्छा परफॉर्म किया ड्रामा, और ये भाई बने थे ठरकी जो कि हैं, लेकिन चले एक्टिंग के तौर पे बने थे। और ये सबसे अच्छी थी कि इसने बगैर कोई परफॉर्मेंस किए, मतलब कुछ रिहर्सल किए बगैर इसने परफॉर्म किया और बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो यार आज का व्लॉग हम करते हैं ख़त्म, और अभी काफ़ी लेट हो गया, 12:30 हो गए, खाना पीना खाया थोड़ा इवेंट के बाद, लेकिन इवेंट काफ़ी अच्छा था और होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और लाइक लाजमी करना है, और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर किया करें यार अपने दोस्तों के साथ काइंडली, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है न्यू ग्रोइंग चैनल को। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, और मिलते हैं हम आपको अगले फन व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा। चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है।